स्तरीय पंचायती चुनाव पर जिला पुलिस लगातार प्रत्याशियों पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। शपथ पत्रों में कुछ तथ्य छुपाया गया है तो उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। कुछ लोग जो सजायाफ्ता या जिला बदर अपराधी अपने या अपने परिवार के अन्य सदस्य द्वारा पर्चा दाखिल कर दिए हैं या दूसरों को धमकाकर पर्चा वापस कराने का कार्य किए हैं, उनका जांच कराया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि कुछ अपराधियों का पर्चा तकनीकी कारणों से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया है। पंचायत चुनाव में माफिया और गैंगस्टर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना करने पाए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि पिपरौली से निर्विरोध पर्चा दाखिल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। माफिया सुधीर सिंह पर दिसंबर 2020 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी, इसके बाद 6 महीने के लिए उसे जिला बदर कर दिया गया था। शपथ पत्र से मिलान करते हुए अगर कुछ तथ्य छुपाए गए तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि जिला बदर माफिया सुधीर सिंह और उनकी पत्नी अंजू सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, देखिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पंचायत चुनाव में कोई भी पर्चा दाखिल कर रहा है तो उसका आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है। अगर उनके अपने एफिडेविट्स में कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो उसको भी बहुत गंभीर लिया जा रहा है। कुछ लोग जो सजायाफ्ता है, जो जिला बदर अपराधी हैं या उनके परिवार वाले हैं, जिन्होंने बाकी लोगों को दमका के पर्चा वर्चा वापस कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त निगरानी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ माफियाओं के पर्चा कैंसिल भी हुआ है टेक्निकल ग्राउंड्स पे और इनके आपराधिक इतिहास एवं कन्विक्शन के ग्राउंड्स पे, और उनके द्वारा जितने भी लोगों को धमकाया गया हो उसकी अलग से जांच किया जा रहा है। कोई भी दुस्साहस ना करें, करने से उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ओर से जो कार्रवाई हुई है, इसमें जो पिपरौली क्षेत्र के रहने वाले कुछ माफिया जो निर्विरोध अपने पर्चा दाखिल करने की प्रयास किया है, उनके टेक्निकल ग्राउंड्स में उनका निरस्त किया गया है। जो भी है जांच अनुसार कार्रवाई की जा रही है। देखिए बहुत सारे गैंगस्टर्स लगी हुई है जो कि माफिया, बहुत सारे संपत्ति भी कुर्क हुआ है, इनकी बिल्डिंग भी ध्वस्त किए जाएंगे, साथ साथ आगे भी बहुत सारे गैंगस्टर्स हम लोग ढूंढ ढूंढ के लगा रहे हैं जो कि आपराधिक माफिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। अभी बहुत सारे माफियाओं की गिरफ्तारी भी हुई रिसेंटली, आप लोग देख भी सकते हैं, और लगातार ये अभियान जारी रहेगा, जल्दी से जल्दी वो पकड़े जाएंगे। ओके, फोर्स तो पर्याप्त मात्रा में हम लोग को मिला है, सीपीएफ का भी जो 2 बटालियन मिला है, उसके अलावा आसपास जनपद से भी पर्याप्त मात्रा में फोर्स मिला है और हर बूथ में हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो इसको आप देख ही रहे हैं, जैसा कि बंदूक का जो लगभग हम लोग 90% जमा करवा चुके हैं और कहाँ कहाँ जो हिस्ट्री शीटर है, जो गुंडा है, गैंगस्टर एलिमेंट है, उन लोगों का यदि तो जेल का अंदर भेज रहे हैं, नहीं तो फिर जनपद से बाहर भगा रहे हैं। हाँ, वो तो RO लेवल का हुआ है, उस पर जो भी प्रत्याशी, देखिए एक ही जो एक मानक है ताकि जो भी प्रत्याशी के ऊपर 2 साल के ऊपर सजा होता तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो तो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता नहीं रखते, तो कुछ लोग छुपा करके लगा देते हैं उसको, तो तब बाद में पता चलेगा तो फिर उनका कैंडिडेचर खारिज होता है। उसी टाइप को बहुत सारे हिस्ट्री शीटर अपराधी लोग तो पर्चा दाखिल तो किए हैं, बहुत लोग का हम लोग लगभग सभी को खारिज कर चुके हैं, ताकि जो ये लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं, ये चुन के भी आ जाता है तो जनता को परेशान करते हैं, इसलिए तो उसी नीयत से जो गुंडा गैंगस्टर एलिमेंट है उन लोग को चुनाव लड़ने से अधिकार से रोका गया।